आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों के अंदर लगने वाली एक ऐसी बीमारी जो आपके उत्पादन को करीबन 30% घटा सकती है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये बीमारी 60% तक आपकी जो उत्पादन है उसको कम कर सकती है। किसान साथियों, आप लोगों ने अक्सर इन दिनों में नोटिस किया होगा कि पौधे की अपर साइड के अंदर जो शाखा होती है, जहाँ पर पौधे का हेड वगैरह बोल देते हो आप, वहाँ पर आपको कुछ एक सफ़ेद कलर की जो डंडी है वो दिखाई देती है। पूरा का पूरा जो फूल है वो भी सफ़ेद हो जाता है इस बीमारी के कारण। ये जो बीमारी है इसका नाम है वाइट रस्ट। इस बीमारी को एक्टिव होने के लिए दिन का जो टेम्परेचर है वो करीबन 25 से लेके 26 डिग्री के आसपास चाहिए, और रात का जो टेम्परेचर है वो अगर आपका 12 से लेके 14 डिग्री के आसपास है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बीमारी है वो अपना अच्छे तरीके से जो भोजन है या फिर जो अटैक है वो कर देती है। ये बीमारी अल्बुगो नाम की जो फंगस है उसके द्वारा फैलाई जाती है। स्टार्टिंग के अंदर इस बीमारी का जो अटैक है वो फार्मर को पता नहीं चलता, पत्तों के ऊपर हल्के सफ़ेद कलर के दाने जैसे दिखाई देते हैं। बाद में ये दाने हैं धीरे धीरे बड़े होकर के पीले रंग के एक धब्बे के अंदर बदल जाते हैं, तो पूरे पत्ते के ऊपर आपको कुछ एक जो पीले कलर के धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद में ये जो बीमारी है वो हमारी जो शाखाएँ होती है उसके ऊपर अटैक करती है। वैसे तो बेसिकली ये बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड पौधों को दोनों तरफ से नुकसान करती है। इंटरनल भी इस बीमारी के जो स्पोर है वो पौधे के अंदर फैल जाते हैं। इनका अगर बारिश का मौसम बना हुआ है, यानी कि आपको लगे कि जो वायु के अंदर नमी है वो करीबन 70% से ज़्यादा हो चुकी है, तो ये जो बीमारी अपना अटैक बड़े अच्छे तरीके से करती है। बीमारी की रोकथाम के लिए मार्केट के अंदर काफ़ी सारे जो फंजीसाइड है वो अवेलेबल है, जैसे कि हारू आता है सिमोडोमो कंपनी का ब्रांड। यहाँ पर मैं कुछ एक जो कंपनी है उनके ब्रांड जो नेम है उनका जिक्र करूँगा, क्योंकि फार्मर को टेक्निकली थोड़ा सा याद नहीं रहता है। अगर आप ब्रांड नेम यूज़ करोगे तो थोड़ा सा ईजी रह जाता है, लेकिन आपको जिस भी कंपनी का टेक्निकल अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हो। मैं पर्सनली किसी भी कंपनी को रिकमेंड यहाँ पे नहीं करने वाला। हारू आता है सोमेटोमो कंपनी का, जिसकी आपको डोज 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, या फिर आप कस्टोडिया वगैरह यूज़ कर सकते हो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। एमिस्टा टॉप आता है सजेंटा कंपनी का 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। फॉलिकोर आता है बायर कंपनी का 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर कुछ सालों से जो ब्यूनस है वो लॉन्च किया गया है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ओपेरा जैसे भी फंगीसाइड है, अदर काफ़ी सारे जो फंगीसाइड है उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। इस फंगीसाइड के साथ आप तेले चेपे के लिए जो थायोमेथोक्सम आता है 30% के अंदर, ब्रांड नेम आता है हमारा एक्टारा, 120 ml या 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो डोज है वो आपको लेनी है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई अदर आपकी इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।